हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 18 जून 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूँ, तो मेरे द्वारा अनअकैडमी ऐप पर राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जीके। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, व्हेन हैज द फर्स्ट सेशन ऑफ द 17th लोकसभा स्टार्ट। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से शुरू हुआ है? ऑप्शन ए फ्रॉम 14th जून, 14 जून से। ऑप्शन बी फ्रॉम 15th जून, 15 जून से। ऑप्शन सी फ्रॉम 16th जून, 16 जून से। ऑप्शन डी फ्रॉम 17th जून, 17 जून से। साथियों, 17वीं लोकसभा की बात की जाए तो 17वीं लोकसभा 30 मई 2019 से स्टार्ट हुई है। 17वीं लोकसभा में बतौर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की और उन्हें अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और 17वीं लोकसभा का पहला सत्र यानी कि संसद का पहला सत्र 17 जून 2019 से स्टार्ट हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फ्रॉम 17 जून 2019। क्वेश्चन संख्या सेकंड, हाउ मच ग्रांट मनी विल बी गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज ऑफ द त्रिपुरा By एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। एशियाई विकास बैंक त्रिपुरा के शहरों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता स्वरूप कितनी अनुदान राशि प्रदान करेगा? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 30%। त्रिपुरा जो है उसके शहरों के बुनियादी ढांचे के लिए ADB द्वारा जो सहायता दी जाएगी वह अनुदान राशि होगी 80%, और इसके अलावा 20% राज्य सरकार को कर्ज के रूप में देना पड़ेगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 18%। क्वेश्चन संख्या थर्ड, वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन प्रिवेंशन डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए ऑन 15th जून, 15 जून को। ऑप्शन बी ऑन 16th जून, 16 जून को। ऑप्शन सी ऑन 17th जून, 17 जून को। ऑप्शन डी ऑन 18th जून, 18 जून को। साथियों, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन प्रिवेंशन डे 17 जून को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 17 जून, 17 जून। दोस्तों, इस बार की बात की जाए तो 2019 के लिए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो है उसका नारा है लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। क्या नारा है? लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, हु हैज प्रिपेयर्ड द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम और यंग साइंटिफिक प्रोग्राम युविका ट्रेनिंग मॉड्यूल। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम या युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यूवी का प्रशिक्षण मॉड्यूल किसने तैयार किया है? ऑप्शन ए इसरो ने, ऑप्शन बी ONGC ने, ऑप्शन सी NTPC ने, ऑप्शन डी IOCL ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन संख्या 5, द फिफ्थ मीटिंग ऑफ द पॉलिसी कमीशन्स गवर्नरी काउंसिल विच वॉज हेल्ड इन द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल की 5वीं बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस स्थान पर संपन्न हुई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में। जो ये मीटिंग है इसमें भारत देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यपालों ने भाग लिया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 29 जर्नलिस्ट फ्रॉम प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ए सोशल एक्टिविस्ट फैसिलिटेट विद द भारत माता शील्ड इन द मैत्री श्री मीडिया अवार्ड सेरेमनी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 29 पत्रकारों और एक सामाजिक कार्यकर्ता को कौन से मातृश्री मीडिया पुरस्कार समारोह में भारत माता शील्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 45। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 44। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।